Hey guys, it's Janet. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम react करने वाले हैं बहुत ही amazing and important video पे. So this is basically the first ever podcast by Imran Khan and ये है Junaid Akram के video में vlog में. And इसमें और भी influencers हैं जो कि हैं Talha Ahad and Muzammil Hasan. तो ये video बहुत ही viral जा रही थी. And since the video is too long, तो हमने ऐसे decide किया कि हम इसको 3 parts में करेंगे. तो अभी हम for now we are reacting on the first 30 minutes of the video, जो कि meritocracy तक जाएगी. And जब मैं ये video देख रही थी तो मैंने इसके नीचे comment पढ़ा था कि ये वो questions पूछ रहे हैं जो आज तक कोई भी journalist ने नहीं पूछे. So हमें लगा कि इस video पे react करना बहुत ही important है. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारे दो हैंडल्स हैं, प्लीज डू फॉलो अस. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विद आपकी जन्नत इजाजत, लेट्स गो बेबी, ले लो, लेट्स गो. वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड. आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, बट उसी के साथ साथ वी हैव टू को होस्ट विद मी, पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में पॉडकास्ट स्टार्ट किया, द पायनियर ऑफ पॉडकास्ट इन पाकिस्तान. जुनैद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं एज अ को होस्ट एंड उसी के साथ साथ तला अहद, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान्स लार्जेस्ट एंड फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क. और इसके साथ साथ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द गेस्ट, हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. मैं चाहूँगा कि जुनैद भाई आप स्टार्ट करें विद क्वेश्चन. सलाम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. खान साहब, हम ट्रेडिशनल सवालों पे तो आएंगे, लेकिन आई एम गोना स्टार्ट विद समथिंग जो कि मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं देखा किसी ने आपसे पूछा हो. And it's something very close to my heart. I mean, you're a man of strong nerves. आपने माशाल्लाह स्पोर्ट्स में इतने साल दिए, फिर आपकी अपनी 25 साल की जद्दोजहद है पोलिटिकल. We've seen you and people idolize you for your strength. But at the end of the day, you're a human being. And jo bhi recent developments hue hain, it must have disappointed you in some way or the other. How are you feeling emotionally about this? Dekhiye Junaid, pehle sab ke liye, because you know, mera 70 saal ka almost ho gaya hu. To aap sab jo youth hai is mulk ki, jo future hai, उसको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करनी है कि देखें, जो ज़िंदगी है ना, वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती. कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम ज़ीरो से एकदम कामयाब हो गया. वो एक साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच ज़िंदगी का नाम है. और जितना आप ऊपर को एम करेंगे, उतनी आपको डाउन साइड ज़िंदगी में आएंगे, बुरे वक्त आएंगे. जितना आप ऊपर जाएंगे, गिरेंगे भी आप काफ़ी. सो देखिए, एक ये जो आपकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, अगर आपने कोई भी चीज़ अचीव की हो, और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक बड़ा एक ऐसा कीमती सबक आपको सिखाती है जो शायद और कोई चीज़ नहीं सिखाती. और वो क्या है? हार जीत. आपको हारने के भी डायनामिक समझ आते हैं, आप जीतने के भी को समझ जाते हैं कि जीत परमानेंट नहीं है. वो थोड़ी देर अगर आपने मेहनत ना की तो फिर आप नीचे आ जाएंगे. तो ये जो साइकिल है, ये एक मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई है जो किसी पॉलिटिशियन की वो ट्रेनिंग नहीं है. कोई पॉलिटिशियन ने 20 साल खेलों की ग्राउंडों में हार जीत नहीं देखी. सो किसी ने पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में सवाई कायदे आज़म के 22 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे ऑपोजिशन में नहीं है, किसी ने नहीं गुजारे, और मुश्किल वक्त में. सो देखें, ये मेरी बड़ी मिक्स फीलिंग्स है इस पर, ये जो हुआ है. एक के इतनी बड़ी बाहर की साजिश हुई, और वो साजिश के को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान में जो मीर जाफर और मीर सादिक, उन्होंने पूरा साथ दिया उनका, और सब ने मिल के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जो 22 करोड़ लोगों की इलेक्टेड जो रिप्रेजेंट करती थी. और वो गिराया बाहर की साजिश क्यों थी? इस हमारी क्या कसूर था कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे. देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब एंटी अमेरिकन नहीं है. मैं कभी भी, बल्कि मैं तो एंटी इंडियन भी नहीं हूँ. मैं तो बीजेपी और आरएसएस की जो रेसिस्ट पॉलिसी और जो कश्मीर में इन्होंने किया है, उसके खिलाफ हूँ. लेकिन इंडिया में हर किस्म की सोच है, मेरी दोस्तियाँ भी बड़ी हैं, अमेरिका भी वैसा ही है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक थे. लेकिन ये जो इन्होंने किया है, सिर्फ इन्होंने इसलिए किया कि मैं वो पॉलिसीज चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती भी अमेरिका से रहे,
लेकिन जो हमारे लोगों के मफादात है, हमारे जो इंटरेस्ट है, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करूं। मेरी नंबर वन प्रायोरिटी 22 करोड़ पाकिस्तानी है। वो ये चाहते थे कि हम रूस की ट्रिप भी कैंसिल करें, रूस के साथ कोई हम ट्रेड भी ना करें, चाइना के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स लिमिट करें अपनी रिलेशनशिप, और फिर यहाँ बेसिस भी वो मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को यहाँ से अगर उन्होंने जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकना है तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कभी किसी और की जंग और कॉन्फ्लिक्ट में कभी हमें शामिल नहीं होना चाहिए, हमें अमन में होना चाहिए, जंग में नहीं होना चाहिए। तो ये उनके वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट समझे कि मेरे होते हुए वो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह वॉर ऑन टेरर में उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उनकी जंग लड़ते हुए, पाकिस्तान को बुरा भला भी कहा गया। तो सो ये थी नंबर वन चीज़ जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी साजिश की। उनको मिल गए यहाँ रिसेप्टिव लोग, और उन लोगों के अंदर वो थे जिन्होंने, और ये बाय द वे ये मॉडल अगर बड़ा अगर आप फॉलो करें जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को ईरान में गिराया था, तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ें थी। पहले उन्होंने पैसे चलाए मीडिया पे, उसको बुरा भला किया, फिर उन्होंने मुसद्दिक की जो पार्टी के अंदर पॉलिटिशियंस थे उनको खरीदा, फिर जो अपोजिशन थी उसे डेमोन्स्ट्रेशंस करवाई, जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च वगैरह की, वो वही मॉडल था। और इवेंचुअली फिर पहले साजिश हुई और फिर मुदाखलत की। लेकिन जो मुझे खुशी हुई वो अब ये मैंने मिक्स फीलिंग्स का, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को इस तरह इकट्ठे होते नहीं देखा। जो अमूमन यहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि कौम मैं खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इस तरह निकलेगी, जिस तरह वो सड़कों पर निकली, जो जलसे 10 दिनों में 3 बड़े शहरों के अंदर रिकॉर्ड जलसे हुए और पब्लिक खुद चल के आई। तो एक तरह मुझे खुशी ये है कि मैं अब देख रहा हूँ कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम कौम नहीं बने, हम बटे हुए हैं लोगों में, हिस्सों में, फ़िरकों में, सूबों में, लसानियत के तौर पर कि जी मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग वगैरह। इसके अंदर मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इस सारी कौम के अंदर एक गुस्सा आया, और सारी कौम ने ये फील किया कि एक तो उन्होंने हमारे मुल्क में मुदाखलत करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराया, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को गुस्सा है कि इसके करप्ट तरीन लोग जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे थे, जिनके ऊपर केसेस थे, 60% लोग जमानत पे हैं कैबिनेट जो जिनको उन्होंने मुसल्लत किया, जो शरीफ खानदान है वो या जमानत पे है या कन्विक्टेड है, उनको ऊपर मसलत कर दिया। तो ये डबल गुस्सा है लोगों को कि एक तो उनकी बाहर से अमेरिका ने जो मुदाखलत की, दूसरा ये चोर मुसल्लत कर दिया, और तीसरा जो पॉलिटिकल लोगों ने अपने आप को बेचा, यानी 20-25 करोड़ रुपये बेच के जिन्होंने जाके गवर्नमेंट गिराई, अभी तक कोई अदालत ने उनके केस एक्शन नहीं लिया। देखिए ना, अदालत ने सो मोटो एक्शन भी ले लिया, 12 बजे अदालतें भी खोल दी, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को बेचा उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसकी वजह से मुझे जो मैं जो देख रहा हूँ मोमेंटम, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में। तो मिक्स फीलिंग्स, एक तरफ मायूसी और दूसरी तरफ खुशी कि शायद उसकी वजह से एक वो पाकिस्तान बन रहा है जो कायदे आजम का पाकिस्तान, जो अलामा इकबाल ने सोचा था पाकिस्तान का। सो यू आर सीइंग दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज व्हाटएवर हैपेंड? मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अब अगला पाकिस्तान का फेज आ रहा है, और बाय द वे इसके अंदर ये जो चेंज आया है, इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया। आपने देखा हमारे ज़माने में कहते थे जी मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, इस बारी क्लैम डाउन किया मीडिया में, सिवाय 1-2 चैनल्स के, और उनको हम सलाम करते हैं, इन्होंने मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल किया। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया की वजह से इतना शऊर है, कौम इतनी बेदार हो चुकी है कि आपने देखा कि ये मोमेंटम बिल्ड, और जब इंशाल्लाह मैं ये इस्लामाबाद हकीकी आज़ादी मार्च की डेट दूंगा, मेरी एक कंटेंशन है, मेरी एक एक्सपीरियंस है 26 साल का पॉलिटिक्स में, कि ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में पब्लिक निकलेगी। सो जस्ट एडिंग टू व्हाट जुनैद साहब सेड, के हाउ डू यू फील अबाउट JKT एंड अलीम खान? शुरू में आपके साथ बहुत क्लोजली उन्होंने सपोर्ट किया एट दैट टाइम जब बिल्कुल PTI यू नो डेवलप हो रही थी, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको आने में किया, और सडनली इस मौके के ऊपर दे हैव चेंज द साइड्स,
और अभी यू नो मुलाकातें भी हुई, सो वो विजुअल्स देख के व्हाट वाज योर फीलिंग? देखिए दोनों ने, दोनों की कंट्रीब्यूशन बड़ी थी. दोनों आज से 11 साल पहले पार्टी के अंदर आए थे. पार्टी याद रखें 26 साल से चल रही थी. तो जब पार्टी उठी, जब हमारा मीनार पाकिस्तान में 30 अक्टूबर 2011 को एकदम एक्सप्लोड की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में PTI, तो दोनों उसके बाद ज्वाइन किया और दोनों ने मेहनत भी की. जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई उनके ऊपर वो ये कि उन्होंने मेहनत की, लेकिन क्या मेहनत की उस आइडियल के लिए जिसकी वजह से मैं 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था. मेरी पाकिस्तान में एक वो आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, मैं तो पॉलिटिक्स में एक आइडियलिज्म लेके आया था कि हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है जो एक फलाई रियासत बनेगी जिधर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून के सामने सब एक बराबर होंगे. क्या उनके वही आइडियल्स थे? और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि उनका और मकसद था वो पावर में आने का. वो उनका वो आइडियल नहीं था जो मेरा था. मेरे ख़्याल में वो पावर में वो, और वो फिर वाज़े भी हो गया क्योंकि अगर उनका वो आइडियल होता तो वो आज उन लोगों के साथ ना खड़े होते जिनको मैं 26 साल से कह रहा हूँ कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू है. मैं तो बल्कि चोरों की वजह से तो आया था पॉलिटिक्स में. मैंने तो पहले दिन से करप्शन को मेन इशू उठा के इन दोनों जो फैमिलीज़ हैं जो लूट रही थी मुल्क को, इनके ख़िलाफ़ आया था. अगर आज वो उनके साथ चले गए हैं तो इसका मतलब कि उनका ये तो आइडियल नहीं था रूल ऑफ लॉ. इंसाफ की तहरीक जो थी, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर. मेरे ख्याल में वो भी जब उनका ये नहीं था, वो भी समझते थे कि पावर में आके तो वो पावर की प्रिविलेजेस उन्होंने इस्तेमाल करनी थी. देखें पावर में आके पैसा मेरी अगर बिजनेस हो, मैं पावर में आके तो बड़े आराम से पैसे बना सकता हूँ. मैं हर तरह प्रिवेल कर सकता हूँ. मैं अगर मैं रियल इस्टेट में हूँ तो मैं इलीगल ज़मीन को अब पावर में आके लीगल करवा सकता हूँ, ग्रीन को ग्रे करवा के अरबों रुपया बना सकता हूँ. मेरे तो बड़ा आसान है. आज अगर मसलन मलिक रियाज पावर में आ जाएं तो मलिक रियाज तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं क्योंकि पावर में तो आपके पास सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो बिज़नेस अगर आपने करनी है तो आप अलहदा रहे. मेरी नज़र में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो एक हायर आइडियल के लिए आए. मैं नहीं अभी अपने लिए बना सकता था. नवाज शरीफ ने जितनी देर मैंने प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, नवाज शरीफ तब तक 18 फैक्ट्रियाँ बना चुका था. नेशनलाइज बैंक से पैसे लेके फैक्ट्रियाँ बनाई और फिर वो कर्ज़े माफ़ करवा लिए. तो ये तो चोरी है, ये बिजनेस नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि जो पावर में आए, और इंशाल्लाह अब जिसको मैं टिकट दूंगा अपनी पार्टी के अंदर, मैं उससे पहले प्लेज लूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं पावर में ना आए. अगर आप पावर में आते हैं तो ये ना समझना कि मैं आपकी बिजनेस को फायदा करवाऊंगा इलीगली. तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें ऊपर गईं तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए. अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन. प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोराज पेपर में भी उनका नाम आ गया. तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें. तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है. थोड़ा सा मैं इसका अगर जूम इन करूँ, ज़ाहिर आपने एक बड़े लेवल पे तो आपने कहा कि लाइक देयर इज़ अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और एक ये कि बाहर की साजिश है जिसके अंदर जो है वो दूसरे मुल्क मुलव्वस हैं. अगर मैं लेकिन थोड़ा जूम इन करूँ पॉलिटिशियंस को, चले आई अंडरस्टैंड आपकी पॉलिटिक्स भी रही है कि पॉलिटिशियंस हैव बीन करप्ट इन पाकिस्तान एंड इट्स ईजिली बिलीवेबल एज वेल. बट देन वी सॉ के इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हुई. हमने देखा रात को अदालत भी खुली, हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी. हम ट्विटर पे जाते हैं तो पीपल आर वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशन दीज डेज. आपका उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि जूम इन करके हाउ डू यू फील अबाउट द जुडिशरी एंड द एस्टैब्लिशमेंट जो कन्वेंशनल स्टेटस को कंसिडर होती है? देखिए मैं बड़ा कॉन्शियस एक चीज़ का हूँ कि ये मुल्क ने जब, और मेरे में कोई शक नहीं कि ये मुल्क ने बड़ा अजीम मुल्क बनना है. मैं आप ये कहेंगे कि 3.5 साल में मैंने रह के क्या एक्सपीरियंस किया. मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको छोटा सा भी 5% भी हम नहीं पहुंच रहे उसके ऊपर, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है. अल्लाह ने बड़ी
जिधर देखें तो पोटेंशियल है ऊपर आने का, हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान ऊपर आ सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के नीचे नहीं लेके आता। सो जो स्ट्रगल है इस वक्त पाकिस्तान की वो है इंसाफ की। देखिए, कोई भी दुनिया में आप कोई मुल्क ले लें जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ गुर्बत है। कोई मुल्क ले लें, डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला ही रूल ऑफ लॉ ना होने का है। हर डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर उनकी जो रूलिंग एलीट है वो पैसे चोरी करके बाहर, मनी लॉन्डर करके बाहर चली जाती है। जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है, सेक्रेटरी जनरल यूएन के नीचे जो पैनल बैठी थी, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स हर साल, 1700 अरब रुपया हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होके, मनी लॉन्डर होके अब वेस्टर्न कैपिटल्स में मेफेयर टाइप फ्लैट्स के अंदर ऑफशोर अकाउंट्स में चले जाते हैं। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ये पैसा उधर जब जाता है उनको तो नौकरियां वहाँ मिलती हैं, फ़ायदा होता है। हमारे मुल्क जिधर से चोरी हो रहा है पैसा वो गरीब हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास वो इंसाफ का निज़ाम नहीं है जो ताकतवर डाकू को पकड़ सके, वो सिर्फ कमज़ोरों को पकड़ता है। और इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब उन एक प्रिविलेज औरत थी, कुरैश की औरत, उन्होंने कहा जी इसको सजा ना दें, तो उन्होंने तब कहा था, क्योंकि ये तो जब कुरैश की औरत है, इसने जब चोरी की थी, उन्होंने कहा कि कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर को आप जेल में डालें और ताकतवर को आप NRO दे दें, यानी आप छोड़ दें। ये उन्होंने तब कहा था। आज सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इशू ये एक है कि वो ताकतवर वाइट कॉलर क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते। उनका जो स्ट्रक्चर सारा बन गया है वो या पैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं, बच जाते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक्स प्रेसिडेंट को पकड़ने की कोशिश की, वहाँ जनाब उसने लोग सड़कों पर लगाए, कोई 1200 लोग मर गए, वो बाहर फिर रहा है। तो जरूरत उनमें मॉरल अथॉरिटी नहीं होती ताकतवर को पकड़ने की। तो हमारा इशू क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो जब तक उनके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, मिशन उनकी, जब तक उनके अंदर ये जहाद का जज्बा नहीं आएगा कि ताकतवर को जेल में डालें, उनको जब पकड़ें, ये इशू ये है पाकिस्तान का। हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन जो कर सकते हैं, मैंने 3.5 साल में क्या देखा? अब हम क्या, अदलिया आज़ाद है, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। नैब आज़ाद है, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो हम क्या करते थे? अब ये शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट के साथ 16 अरब रुपया पकड़ा गया है इसके नौकरों के नाम पर, जो FIA ने पकड़ा, वो हम वो उसको कन्विक्ट ही ना करवा सकें। ये साल पहले इंग्लैंड में होता, अभी तक 15.5 साल पहले ये जेल में होना था। वो कभी उसकी कमर में दर्द है, कभी वो बेंच टूट जाता था, कभी कुछ। हमारा जो जो इंसाफ का निज़ाम था वो पकड़ता ही नहीं था उसको। ये सारों के जो केस हैं, एक मैं मुजम्मल कम्प्लीट कर लूँ, 95% जो केसेज हैं नैब के अंदर वो हमारे ज़माने के पहले से हैं। उस 3.5 साल में वो कन्विक्ट नहीं हो सके। सो व्हाट, ये आपको क्या चीज़ सामने आती है? सामने ही आती है कि हमारे इदारों में कैपेबिलिटी नहीं है और विल नहीं है पकड़ने की। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो इस करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। सो हमें जो कोशिश करनी चाहिए, देखें कोशिश जो करनी चाहिए कि इन इदारों के अंदर पब्लिक का प्रेशर आए। देखें अवाम का, मैं सिर्फ एक प्रेशर है, आज अवाम का प्रेशर पड़ा हुआ है। अवाम का प्रेशर आना चाहिए इन इदारों के ऊपर कि आपने ये जो क्रिमिनल्स हमारे ऊपर बैठा दिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, अब इनको पकड़ें। हमने शहरी तो नहीं पकड़ सकते ना उनको, और सबको पता है ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं पैसा। मैं 26 साल के इनकलाब जहाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं पकड़ सकता ना। पकड़ना तो अर्दिया ने है, नैब ने पकड़ना है। हमने तो अपना काम कर दिया था FIA में, अब उनको सारों को NRO 2 मिल गया। पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, अब ये NRO 2 मिल गया इन सबको। डू यू थिंक के, देखें ये तो चलें, आई अंडरस्टैंड, आपने कहा कि एक 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 मॉरल वो होती है अपने अंदर, एक सोच होती है जिसके थ्रू ये करेंगे। क्या हम सोच के ऊपर रिलाई करेंगे? डू यू थिंक देर इज़ अ सिस्टमेटिक चेंज जो कि पोटेंशियली आप लेकर आ सकते हैं, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है या अगेन स्ट्रक्चरल चेंज की बात है, जिसके तहत मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पब्लिक सपोर्ट भी आ जाती है। पब्लिक सपोर्ट इसी तरीके से आएगी कि मे बी यू नो एक अर्ली इलेक्शन की कॉल हो जाती है, उसमें आप पावर में भी आ जाते हैं। अज्यूम करता हूँ कि आप पावर में आ जाते हैं, व्हाट डिफरेंटली कैन यू डू? अगर तो आखिर में इंसाफ का यही निज़ाम है और आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। देखिए जब आप पावर में आते हैं ना, अच्छी मेजॉरिटी से आप कानून चेंज कर सकते हैं, आप कानून वो बदल सकते हैं, हर जो कानून रुकावट बने हुए हैं इनको जो बचाते हैं।
जो मैंने सीखा 3.5 साल में, मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर मुझे अगर सही माने में मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मैं पावर में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब इस बार हाथ बंधे हुए थे, हर जगह हम जकड़े फंस जाते थे, हमारा इधर से कानून हम लेके आता, वो सेनेट में फंस जाता था जाके, अच्छा वहाँ आता था हमारे, हम वो कानून ही नहीं बदल सकते थे इनको, अब हम क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हम लेके आए कि जल्दी सिस्टम हो, लेकिन वो हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम उनको इन्फोर्स कर सकते। हमने सिविल प्रोसीजर कोर्ट की कि 1 साल से ज़्यादा ज़मीन का केस नहीं चल सकता, सारे सिविल 1 साल में फैसला होंगे, लेकिन वो हर जगह के स्टे ऑर्डर मिल जाता था। रेगुलेटर्स, मैं आपको मिसाल देता हूँ कितनी फ्रस्ट्रेटिंग थी। अब रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर का मतलब अब ये मसलन शुगर माफिया है, सीमेंट के अंदर कार्टेल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कार्टेल हैं, और इनको प्रोटेक्ट कौन करता है आवाम को इन कार्टेल से? कॉम्पिटिशन कमीशन। कॉम्पिटिशन कमीशन का ये हाल था कि 11 सालों से उनके अंदर स्टे ऑर्डर फंसे हुए थे, यानी जो ये बड़े कार्टेल्स थे इन्होंने उसी के हाथ बांध दिए थे कॉम्पिटिशन कमीशन के, तो वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। 800 स्टे ऑर्डर हैं, 8 हमने टॉप रेगुलेटर्स के, जिनका काम है अवाम की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, 8 रेगुलेटर्स के ऊपर 800 स्टे ऑर्डर्स थे, 250 अरब रुपया फंसा हुआ था इधर, वो फैसले नहीं होते थे। तो ये शुगर माफिया के हमने जब इंक्वायरी की इनके ऊपर, वो सारे जाके उन्होंने वो फंसे हुए हैं, वो अदालतों में केस चल रहे हैं। सो हमें जब तक आपके पास पावर ना हो, आते साथ ही लेजिस्लेशन करें, टाइम लिमिट करें, इनको फोर्स करें, और पावर से जब आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपकी गवर्नमेंट को कोई टॉपल कर देगा, जब पावर से आते हैं तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये आपको कहा कि इंशाल्लाह अगर बारी मिली तो पावर से मिले, ताकि हम ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कार्टेल्स माफियाज़ को टेक ऑन कर सकें। अच्छा खान साहब, आपने ऑब्वियसली यू हैव एन आई फॉर टैलेंट, आपने आपको पता है वसीम अकरम को कब ओवर देना है, वन डाउन पे किसको भेजना है, सो आपके अंदर एक ही चीज़ है, ऑब्वियसली वो लैप्स हुआ जब अब JKT साहब और अलीम खान साहब, आपके पास टाइम भी काफ़ी था टू स्क्रूटिनाइज, बट ऑब्वियसली आई मीन ह्यूमन एरर इज अवेलेबल, हो जाता है। अगर अभी आप अर्ली इलेक्शन में जाते हैं, सो डू यू थिंक यू हैव इनफ टाइम 3 महीने में कि आप इस तरह के सच्चे और खरे लोग भी ढूंढ पाएँ, और आपको फिर इलेक्टेबल्स की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि फिर उसके बाद आप दोबारा फिर वैसे ही ब्लैकमेल होंगे जिस तरह अभी इस बार हुआ। तो डू यू थिंक 3 महीने का टाइम इज़ इनफ टू फाइंड दोज कैंडिडेट्स और फिर उनसे प्लेज लेना या उनकी स्क्रूटनाइज करना? देखिए, जो मैं फिर से कहता हूँ, जो 3.5 साल आई मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में सीखा गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, ब्यूरोक्रेसी में पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, क्या हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि की मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और एक्सपर्ट्स जब तक आप पहले ना लेके आए, जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमने जब कोशिश भी की कई एक्सपर्ट्स लाने की, वो एक पूरा माफिया बैठा हुआ था अंदर की मिनिस्ट्रीज़ में, जो उनको अंदर ही नहीं घुसने देता था, वो छोड़ के चले जाते थे। फिर नैब के प्रॉब्लम्स हो गए, नैब के अंदर कई उन्होंने ऐसे केसेस किया कि जो बाहर से अब जब स्पेशलिस्ट लाना चाहते थे वो डर के ही नहीं आते थे, क्योंकि नैब के केसेस वो भी अजीब, वो भी एक और प्रॉब्लम था। ये सारी चीज़ों की हमने अब देखा, तो हमें बाहर से कई एरियाज़ में की मिनिस्ट्रीज़ में एक्सपर्ट्स अभी से ही हम वो उनको ढूंढ रहे हैं कि हम जब आए तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हो। हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। IT जो है, अब ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये इसके अंदर यानी हिंदुस्तान की 140 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं, और उन्होंने 1 अरब से शुरू हुए थे 20 साल पहले, आज 140 है हमारा। ज़रा हमने आके पहली 75% इंक्रीज़ हमारी IT एक्सपोर्ट्स के हुई हैं हमारे 2 सालों में, सिर्फ हमने रेगुलेशन। लेकिन इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। दुनिया पाकिस्तानी सिलिकन वैली में ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। सो देयरफॉर कई मिनिस्ट्रीज़ में आपको प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स बाहर से लाने पड़ेंगे, अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू, अपने अंदर वो लोगों को हम अभी से सोच रहे हैं टिकट, जो लोगों की कमिटमेंट ही नहीं है, सिर्फ पावर में आते ही सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए हैं, उनको तो हम सफाया करेंगे। अब तो चाहे हार भी जाए इलेक्शन, उनको तो हमने टिकट्स नहीं देने। टिकट्स देंगे वो लोग जो कि कमिटेड हैं, जिनकी कोई आइडियलिज्म है, कम से कम कोर हमारे पास हो जो आइडियलिस्टिक है। वो हमने अभी भी फैसला किया कि हमने टिकट्स उन लोगों को देने। और सबसे बड़ी बात यह, देखें
जब आपके पास और जो हमने चीज़ें सीख ली हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, सही मेजॉरिटी, और आप आराम से पार्लियामेंट को नहीं चला सकते और गवर्न नहीं कर सकते, आप कभी भी रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। जो हमारे पास एक कोलिशन गवर्नमेंट और थोड़ी सी अक्सरियत से थी, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम हर वक्त वनरेबल थे कि गवर्नमेंट चलेगी या नहीं। हर बजट के ऊपर हमें मुसीबत पड़ जाती थी कि जी नंबर पूरे होंगे या नहीं होंगे। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है सेनेट के इलेक्शंस का कि वहाँ पैसे चलते हैं। हाँ, ये जो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हम गए, उसने मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेनेट के वोट को वेरीफाइबल कर दो ताकि ये पैसा ना चले, पता तो चले कि वोट, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है उसमें बिक जाते हैं लोग, उस इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया, उसने उसको छोड़ दिया। तो हमारा जो सिस्टम बन चुका है ना, वो सिस्टम ही इनकरेज करता है करप्शन। ये सब चीज़ ख़त्म होगी जब आपके पास अक्सरियत हो, भारी अक्सरियत हो। हाँ सर, दूसरा आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब पूरा बयानिया जो पिछले 3-4 साल में हम लोग सुन रहे थे कि पहली दफ़ा फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, और पिछले 3-4 महीने तक भी यही वाली चीज़ थी। सो अचानक आपके ख्याल से कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें फ्लिप हुई हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ कहा जाता है कि जी वो जनरल फैज़ के ऊपर सारा कुछ कोई बदमजगी हुई है। मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये और वो सारा जे के जी आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान जनरल फैज़ को, ये इधर से शुरू हुआ। देखिए, ये जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ अपना बनाना चाहता था और उसने बनाए भी, और फिर आपको सबको पता है कि क्या हुआ, उसने आर्मी चीफ सैक भी किया, उसने फिर वो जनरल मुशर्रफ का, वो जनरल ज़िया का, उसने उसको अपॉइंट कर दिया, फिर वो कू हो गया। यानी ये जनरल पहले नवाज शरीफ का मसला क्या था, क्यों वो सारा वक्त उसकी आर्मी चीफ से लड़ाई रहती थी? क्योंकि वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था, वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था। वो क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर लिया था, सारे पाकिस्तान के जो इदारे जो उसको चेक कर सकते थे, FBR थी, NAB थी, ये सब उसके कंट्रोल में थे। अदलिया को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जब एक चीफ जस्टिस के कंट्रोल में नहीं था तो डंडों से उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जस्टिस सजाद अली शाह के, और फिर पैसे देता था जजेस को। जो क्वेटा बेंच को पैसा चला, वो सारा जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे वो जाके रफीक ताड़ और शहबाज शरीफ ने जाके जज खरीदे क्वेटा के अंदर, ये सारा तारीख का हिस्सा है। उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि फौज एक अदारा था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी कोशिश होती थी अपना आर्मी चीफ बैठाने की, क्योंकि उसका डर ये होता था कि वो एक कंप्लीट पावर चाहता था, और दूसरा वो जो चोरी कर रहा था पाकिस्तान का पैसा, मनी लॉन्डर करके बाहर भेजता था, वो फौज को पहले पता चल जाता था, क्योंकि ISI के पास सारी रिपोर्ट आ जाती थी, तो उससे वो वनरेबल फील करता था, इसलिए कंट्रोल करता था। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत की है, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊँ। ये मेरा हमेशा फौज का कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए, मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाहता हूँ। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, कितना कुछ हमें जानने को मिला, एंड बिल्कुल भी हम कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे हैं, या ये बिल्कुल भी हमारा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, बट वी वॉन्टेड टू सी कि वॉट इज़ हिज साइड ऑफ द स्टोरी, एंड इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कि काफ़ी डायरेक्ट थे एंड काफ़ी डायरेक्ट जवाब भी दिए गए। आई थिंक मुझे नहीं लगा था कि इतना ओपनली बताया जाएगा, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको शायद जरूरत थी इस पॉडकास्ट की, जिससे कि उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। आई थिंक तभी ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट, और इतनी क्लियरली, इतने खुल के, बहुत खुल के, वही तो मैं हैरान हो रही थी, मतलब सब कुछ ही बता दिया। इट्स वेरी आउट देयर, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। सो गाइज, बहुत ही मजा आया पॉडकास्ट देखने में। अगर आपने भी ये पॉडकास्ट देखा, आपको अच्छा लगा, सो प्लीज लेट अस नो कि आपको क्या अच्छा लगा। सो गाइस, दिस वाज रिएक्शन, वी होप दैट यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, दिस वीडियो को लाइक कर दो, लीव जाने लवली कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। सो गाइस, दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ, वी लव यू गाइस।